अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे तुराई और अंडे का सालना। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रख लिया है एक कुकर, उसमें मैंने डाला है 5 स्पून तक का तेल। तेल डालकर थोड़ा गर्म होने के बाद यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज, ये 2 प्याज है और प्याज को मैंने इस आकार में कट कर लिया है। और प्याज को हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। और दूसरी तरफ मैं एक जार रख के उसमें मैंने डाला है 3 स्पून तक का नारियल। और 2 टमाटर डालकर मैंने थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीस लिया है। अच्छे से पीसने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ। देखिए प्याज अच्छे से भून चुकी है। इस समय पर मैं 2 स्पून तक का अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डाल रही हूँ। डालकर अब मैं यहाँ पर सूखे मसाले डालूंगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है मैंने। डालकर अब थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ तुराई। देखिए फ्रेंड्स, इसकी सब्ज़ी तो बहुत मज़ेदार होती है और बहुत ही अच्छी लगती है सभी को। आप भी एक बार इस तरह बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और थोड़ा ये इसे भून लेने के बाद यहाँ पर मैं जो नारियल और टमाटर को पीस के रखी हूँ उसे डाल देंगे। आप चाहिए तो बिना नारियल के भी ये बना सकते हैं, नारियल को स्किप कर सकते हैं। नारियल डालने से थोड़ा हमें सालन मिलेगा, इसलिए मैंने नारियल को भी डाला है। और देखिए मैं डाल चुकी हूँ यहाँ पर। डालकर आप जितना हमें गाढ़ा रखना है, पतला रखना है, आप उस हिसाब से पानी इसमें मिक्स कीजिएगा। और थोड़ा तुरई यहाँ पर हमारी गल जाने के बाद, देखिए थोड़ी गल चुकी है ना, इस समय पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अंडे। 3 से 4 अंडों को हम तोड़ के इस तरह डाल देंगे। आपको अंडा नहीं पसंद है तो इसमें थोड़ी मूंग दाल डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, वो भी अच्छा रहेगा। और ये आप चावल के साथ और या फिर रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मैं अब यहाँ पर 2 सीटी के लिए रख दूंगी। देखिए अब हमारा सालन, तुराई अंडे वाला सालन बनके तैयार हो चुका है। आप भी आपके घरों में ज़रूर से एक बार बनाइए। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।